आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का रविवार को दूसरा दीक्षांत समारोह हुआ। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राज्यपाल बलराम दास टंडन, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर भी मौजूद थे। 26 छात्रों को 38 गोल्ड मेडल का वितरण किया गया। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण भी किया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राज्यपाल बलराम दास टंडन और मुख्यमंत्री रमन सिंह के हाथों लोकार्पण हुआ। आज हमारे विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी हुआ। निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं और आज शिक्षा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ने गरीबों के लिए 50 की निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। कॉकलियर इम्प्लांट और बाईपास सर्जरी बच्चों के लिए, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। और उसके साथ ही साथ आज मुझे लगता है कि हमने 9 मेडिकल कॉलेज, 84 से ज़्यादा हमारे नर्सिंग कॉलेज, आरवी कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज नई स्थापना किए हैं। बीजेपी नए साल में मिशन 65 के लिए नए सिरे से तैयारी में जुट गई है। रायपुर में भाजपा की पहली समीक्षा बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामपाल की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं इस दौरान रामलाल ने टिकट के दावेदारों को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि खुद की दावेदारी छोड़कर भाजपा की चौथी बार सरकार बनाने की दिशा में काम करना शुरू करें। रायपुर के साइंस कॉलेज में टेक्नोकिंग वेब सॉफ्ट सॉल्यूशन की ओर से साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मिशन के तहत एनसीसी कैडेट्स के लिए निशुल्क कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिस ट्रेनिंग दी गई। साथ ही साइबर सिक्योरिटी के लिए टिप्स भी शेयर किए गए। इस मौके पर साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी टिप्स को लेकर एक बुक लिखी है, जिसमें इंटरनेट से जुड़े सभी सुरक्षा उपाय उन्होंने शामिल किए हैं। आगरा के तारा गांव में एक युवक का शव खेत से मिलने पर हड़कंप मच गया। युवक के शव पर कई चोट के निशान थे और सर से खून बह रहा था, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कन्नौज के मालिकपुर गांव में सर्दी का सितम देखने को मिला, जहां ठंड लगने से एक किसान की मौत हो गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की संवेदनहीनता भी देखने को मिली, जहां मौत की सूचना के बाद भी कोई अधिकारी मृतक के घर सांत्वना देने नहीं आया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने भाई के साथ खेत में पानी लगाने गया था, जहां उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय किसान ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बांदा में एक ट्रक का तांडव देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक और आधा दर्जन मवेशियों को रौंद दिया, जिसमें युवक और आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बांदा नरेनी रोड पर घंटों जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया। कुशीनगर जनपद में बढ़ रही चोरी और नकबजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने माथहतों के पेचकस से तो हाईटेक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कप्तानगंज पुलिस ने दो छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 1,00,000 से ज्यादा की नकदी और एक बाइक समेत अन्य चोरी का सामान बरामद किया है। एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, वहीं सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में नवजात बच्ची कूड़े के ढेर में पड़ी मिली। बताया जा रहा है पड़ोस में रहने वाले परिवार ने जब बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो कूड़े के ढेर में बच्ची पड़ी थी। फिलहाल परिवार ने बच्ची को अपनी गोद में शरण दी है। मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के तहत दो अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 कारें, 8 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। चोरों ने बताया कि वह कारें और बाइक चोरी करके दूसरे क्षेत्रों में बेचने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि पकड़े गए अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिस पर कई मुकदमे दिल्ली में दर्ज हैं। हाथरस में एडीएम और एएसपी ने सौदा गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, साथ ही जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया और अतिक्रमण करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया। प्रशासन ने लोगों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।